तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक दृष्टि जो समसामयिक घटना चक्राती है वार्षिकांक, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, उसके बाद आपका विधिक परिदृश्य भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग एक टॉपिक इसका खत्म कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय विकिरण के बारे में। ठीक है, मैं 1 घंटे के करीब क्लास रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी देखिए, क्या है कि बड़ी क्लास रखने का अभी कोई फायदा भी नहीं है ना, एक एक करके देखते रहिए। सभी आपकी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में क्रम से डली हुई है। बाद में क्या करूंगा, खत्म होने के बाद एक पूरी मतलब सभी वीडियो को क्लासों को जोड़कर एक क्लास बना दी जाएगी। ठीक है, तब देखते रहना, तो बहुत जल्दी उसे भी हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में। वराकाय अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये वराकाय संयंत्र अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जिसका विकास यूएई के शांतिपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत किया गया है। वराकाय परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, वराका है। और अगर आपसे पूछे कि इसका एक तरह से विकसित या डिजाइन किसने किया है, किस किसने, तो अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरिया विद्युत ऊर्जा ने। ठीक है, वराका संयंत्र के अंतर्गत 4 समान परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 1400 मेगावाट है। सभी चारों रिएक्टरों के चालू हो जाने पर इनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता कितनी होगी, टोटल 5600 मेगावाट हो जाएगी, जो यूएई की कुल ऊर्जा भाग मांग के 25% तक की आपूर्ति करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी ऊर्जा ऊर्जा का उपयोग होता है संयुक्त अरब अमीरात में, उसका 25% ये आपूर्ति कर देगा। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं कि ये किताब आपकी वैसे तो जहां भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण स्थान है उन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका जानते हैं कि आप यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आईएएस यानी कि सिविल सर्विस, इनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ही है। यूपीपीसीएस के लिए आप देखते हैं, हर साल आप लोग खरीदते होंगे, अगर आपके पास सुविधा है आपके आसपास मिलती होगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ने वराकाय परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई यूनिट फर्स्ट का परिचालन सफलतापूर्वक प्रारंभ होने की घोषणा की है। 19 अगस्त 2020 को इस पहली इकाई को यूएई की प्रसारण ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। यह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी के अल दफना क्षेत्र में अरब की खाड़ी के निकट स्थित है। इस स्थान को भी याद रखना, जहाँ ये है अल धबरा। ठीक है, याद रहे कि यूएई में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है, और यूएई अरब जगत का पहला विश्व का 33वां राष्ट्र है जिसने सुरक्षित, स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया। तो याद रखिए, अरब जगत का पहला देश है, और विश्व में अगर बात करें तो ये 33वें नंबर का देश है। ठीक है, वराहकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आधुनिक एपीआर 1400 परमाणु रिएक्टर तकनीक से सुसज्जित है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पूर्णता परिचालन हो जाने पर यूएई प्रतिवर्ष 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सक्षम होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हम लोग कोयला से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं या कच्चे तेल से, तो उससे आप देखते हैं कि बड़ी मात्रा में कार्बन भी उत्पन्न होता है साथ में। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेड रेडी टैग मिला हुआ है। सुनामी रेडी यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग यानी कि आईओसी द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। वर्ष 2015 से ही यूनेस्को संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में स्थित गांव में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय, उनके नेतृत्वकर्ताओं तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सहयोग से सुनामी से निपटने से संबंधित तैयारियों को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक जो आपका 2021 से 2030 निर्धारित किया गया है, कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सुनामी रेडी कार्यक्रम यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रतिवर्ष ये भी याद रखना, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, ये आपका 5 नवंबर को। वनडे एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आप देखेंगे, लेकिन
सिविल सर्विस हो फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो, इसमें आपके चार क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। सही जुड़ियां बनाते थे ना आप लोग बचपन में, उसी तरह के आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। और भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 7 अगस्त 2020 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा उड़ीसा राज्य के दो गांव, इन्हें याद रखना वेंकट रायपुर ये गंजाम जिला में है और नोलिया साही ये जगत सिंहपुर जिला में है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, गांव को ये भी पूछ लेगा। कुछ सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है। एक समय आप देखते थे कि सुनामी आती थी या फिर आप समझिए कि तूफान आता था या भूकंप आता था, तो आप समझते थे कि चक्रवात आते थे तो लाखों लोग मारे जाते थे विश्व में। आज आप देखिए कि इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं, तकनीक आ चुकी है कि हमें पहले मालूम चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, चक्रवात आने वाला है, तो हम लोग व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ठीक है, वेंकट रायपुर तथा नोलिया शाही हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे पहले दो गांव हैं जिन्हें सुनामी तैयारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है पूछने की संभावना भी रहती है, नोलिया शाही और वेंकट रायपुर। ठीक है, याद रहे कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला भारत पहला देश और उड़ीसा पहला राज्य है। उड़ीसा राज्य को उसके सभी 326 गांव एवं स्थानीय शहरी निकायों को एक वर्ष की अवधि में सुनामी रेडी बनाने हेतु प्रेरित किया गया। ये उड़ीसा आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है ना। ठीक है, वैसे आप अपने सभी राज्यों के बारे में ध्यान से एक क्रम से याद रख लीजिए, कौन से राज्य कितने राज्यों से सीमा लगती है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके साधारण क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं और बहुत ही साधारण होता है, सरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस राज्यों की सीमा किससे लगती है, या पूछ लेगा सिक्किम की कितने देशों से सीमा लगती है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार मैप्स क्या करिए, या तो आप अपने सामने मैप्स लगा लीजिए, उसमें देखता रहा करिएगा, मुझे लगता है 1 से 2 बार देखेंगे आराम से याद। अब बात करते हैं, तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान देश है, इसे विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया है। 1991 तक तुर्कमेनिस्तान पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। जब शीत युद्ध चल रहा था तो आप समझिए कि सोवियत संघ का हिस्सा था तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेन सोवियत समाजवादी गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। 27 अक्टूबर 1991 को तुर्कमेनिस्तान में ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में अंतिम देश है जिसने विश्व व्यापार संगठन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं। एक बात और बताऊं आपको, आप देखेंगे कि संगठनों से हमेशा आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, किसी भी परीक्षा में आप देखिए संगठनों से, और जो ये रिपोर्ट जारी करती है या इंडेक्स जारी करती है उनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हमेशा। प्रीलिम्स में आप सिविल सर्विस देख लीजिए, फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में देख लीजिए, तो इसलिए आप लोग इन सभी के बारे में वैसे हम लोग बात भी कर चुके थे आपकी, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई थी उसी में डले हुए हैं। अगर फिर भी लगता है कि कोई छूटा हुआ है तो फिर भी बताइए, मुझे वो भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, 22 जुलाई 2020 को जेनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की सामान्य परिषद की एक बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से संगठन में तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 25वां, कितना, 25 पर्यवेक्षक देश है, 25वां। वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है, मैन जो सदस्य है इसमें 164 है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सब जो विश्व व्यापार के जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1948 में बनाए गए टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार यानी कि गेट के स्थान पर की गई थी। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो गेट पहले टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार था ना, जिसे गेट भी कहते थे आप लोग, ये 1948 में आया, उसी को प्रतिस्थापित करके आपका 1 जनवरी 1995 को आपका
WTO, यानी कि कहने का मतलब है कि विश्व व्यापार संगठन उसकी जगह आ गया है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का संगठन का संस्थापक सदस्य भारत। हालांकि 8 जुलाई 1948 से भारत विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था ग्रेट का सदस्य भी रहा था, तो भारत भी इसमें शामिल है। पूछ लेता है कि भारत WHO में शामिल है, WTO में शामिल है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल जाते हैं। फिर आपने देखा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया हुआ है और 2020 के लिए, और इससे क्वेश्चंस आप देखिए कि पूछे जाते रहे। आपके जो भी जितने भी इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, इन्हें आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। ठीक है, और वैसे भी आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस लिखेंगे, तब भी आप इन्हें डाल सकते हैं आंसर में। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसमें आपका ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल भी शामिल है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी शामिल है, और कि मानव जो मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। मानव विकास यानी कि ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और UNDP ने अल्कीरे फॉस्टर विधि का विकास बहुआयामी गरीबी के मापन के लिए किया है। 2010 से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व के 100 से अधिक देशों में जो वैश्विक जनसंख्या के 76% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबी की तीव्र या बीभत्स स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। MPI प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं की 3 आयामों में विभक्त 10 संकेतकों के माध्यम से गणना करता है। ये आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य मिलता है किसी व्यक्ति को, शिक्षा मिलती है, जीवन स्तर अच्छा रहता है, तो वो गरीब कहाँ रहेगा? गरीब तो वही लोग रहते हैं ना जो तकनीक से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से छूटे हुए हैं। आप समझिए, वही एक तरह से मानव संसाधन बनने में दूर रह जाते हैं, मानव संसाधन बनने से। और अगर आप सोचिए, एक व्यक्ति को आप शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो वो बेहतर, वैसे अभी आप समझ सकते हैं कि बेहतर वो अपनी जिंदगी भी अच्छी करेगा और अपने परिवार की देखभाल भी करेगा और साथ में देश की विकास में भी अपना योगदान देगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक तरह से आयाम है इसके, आपको स्वाभाविक सी बात है कि याद रह जाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। 16 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 विकसित किया गया है। इस रिपोर्ट को का केंद्रीय विषय क्या है? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDG को प्राप्त करना, विकास लक्ष्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है, थीम भी पूछ लेता है, एक तरह से विषय। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDG को प्राप्त करना। रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों के 1.3 बिलियन आबादी यानी कि 22% लोग बहुआयामी गरीबी से गिर सकते हैं। ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, समझ गए? इन 1.3 बिलियन बहुआयामी गरीब लोगों में आधा हिस्सा यानी कि 644 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी लोगों की 84.3% जनसंख्या का उपसहारा अफ्रीका यानी कि 558 मिलियन और दक्षिण एशिया में 530 मिलियन में निवास करती है। वैसे भी आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें आपको गरीब देश ही देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। निरपेक्ष एक सेकंड रुकिए, क्या निरपेक्ष पदों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल में सबसे तेजी से कमी करने वाले देशों की बात करें तो सेरा लियोन, मरीतानिया, लाइबेरिया, तिमोर लिस्ते, गिनी और रवांडा है। यानी कि कहने का मतलब है आपकी, निरपेक्ष पदों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल में सबसे तेजी से कमी करने वाले देश कौन से हैं? क्रमशः ये पहले पर सेरा लियोन, फिर मारीतानिया और फिर लाइबेरिया, तिमोर लेस्ते, गिनी, रवांडा। सापेक्ष गरीबी के स्तर में सबसे तेजी से कमी करने वाले देशों की बात करें तो क्रमशः उत्तरी मैसेडोनिया, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया है। इन देशों में से प्रत्येक ने अपने MPI मूल के न्यूनतम 12
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम किया है। ठीक है, तीन दक्षिण एशियाई देशों की क्रमशः बात करें तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल अपने एमपीआई मूल में सबसे तेजी से कमी करने वाले 16 देशों में शामिल है आपके। भारत की बात करें अगर हम लोग, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो हमारे देश के बारे में कुछ ज्यादा ही याद रखा करिएगा आप। भारत ने 2005 से 2006 एवं 2016-15 के मध्य लगभग आप देखेंगे 273 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। 273। भारत का एमपीआई मूल्य वर्ष 2005-06 में 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.123 हो गया है। वर्ष 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 642 मिलियन थी, यानी कि 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 369 मिलियन यानी कि 27.9% हो गई है। तो अच्छी तरह से एक तरह से भारत की स्थिति ठीक रही कि हम लोगों ने अच्छी छलांग लगाई एक तरह से। ठीक है, हम तो कहते हैं कि भगवान करे पूरी तरह से गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन ये संभव है हमारे देश में? आप सोचिए, कुछ तो हमारे देश के नेताओं ने गरीबी दे दी है। अब बात करते हैं अमेरिका खुला आकाश संधि से बाहर। अमेरिका खुला आकाश जो संधि है इससे बाहर हो गया है, और कई संधियों से देखेंगे आप लोग कि अमेरिका इस समय बाहर होता जा रहा है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए ये सब कदम उठा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि फर्स्ट अमेरिका। ठीक है, खुला आकाश संधि ओपन स्काई ट्रीटी OST की परिकल्पना मूलतः वर्ष 1955 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजेनहावर द्वारा की गई थी। यह संधि अपने किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के क्षेत्रों में निशस्त्र हवाई निगरानी उड़ाने के संचालन की अनुमति प्रदान करने के माध्यम से अंतर सैन्य पारदर्शिता एवं सहयोग को प्रोत्साहित करती है। यह संधि 24 मार्च 1992 को हस्ताक्षरित हुई थी और 1 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई है। वर्तमान में 34 देश किसके पक्षकार हैं। ठीक है, तो याद रखिए यह हस्ताक्षरित कब हुई थी, 24 मार्च 1992 में, और 1 जनवरी 2002 में प्रभावी हुई। किससे संबंधित है इसे भी याद रखना है। ठीक है, 34 देश इसमें भी शामिल हैं। एक बात और याद रखिए, आप सोचिए कि WTO हो गया, WHO हो गया, UNESCO हो गया या UN हो गया, इससे अगर अमेरिका निकलता है तो एक अशांति का माहौल पैदा होता है। समझ रहे हैं आप लोग, इनका जब कोई काम ही नहीं रह जाएगा। समझ रहे, ये संगठन तो इसलिए बनाए गए थे कि शांति रखी जाए। आपने देखा पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसलिए इस तरह के संगठन कई बनाए गए, लेकिन वो भी संगठन प्रभावी नहीं हो पा रहे। 22 मई 2020 को अमेरिका ने औपचारिक रूप से खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की निर्णय को अधिसूचित किया है। संधि की शर्तों के अनुसार इस संधि के तहत अमेरिका की प्रतिबद्धताएं अगले 6 महीने में समाप्त हो जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा OST से बाहर होने का निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा की गई नई 6 महीने की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट था कि OST में बने रहना अमेरिका के हित में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार रूस ने OST का उचित ढंग से पालन नहीं किया है। रूस ने सितंबर 2019 में एक सैन्य अभ्यास के आयोजन के दौरान अपने क्षेत्र में अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रहे कि पिछले वर्ष अमेरिका ने रूस के साथ हुई मध्यवर्ती सीमा परमाणु बल संधि से भी अपने को अलग कर दिया है। आपने देखा है कि ईरान से भी निकल गया है, अफगानिस्तान से भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका निकलता जा रहा है। मध्यवर्ती सीमा परमाणु बल संधि USA और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित एक हथियार नियंत्रण संधि थी। ये आप समझते हैं शीत युद्ध के समय की बात है। ठीक है, USA WHO से बाहर होने की घोषणा कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूं। अमेरिकी प्रशासन ने 6 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को पत्र लिखकर इस बाबत अवगत कराया है कि वह 6 जुलाई 2021 को WHO छोड़ देगा, यानी कि WHO से उसका लेना देना नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा वहां से। ठीक है, इससे पूर्व अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO की आर्थिक सहायता रोकने का ऐलान भी किया था। क्योंकि देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये भी पक्षपात कर रहा है। आपने देखा है चाइना का किस तरह साथ दिया, और एक कोरोना महामारी में भी आपने देखा है एक तरह से जब तक पूरे देश सभी देशों में नहीं फैल गई तब तक सोया रहा, और जागा तब, जब आप सोचिए कि वही है जागने का तब क्या फायदा है जब खेत पूरा चुभ ही गई वो चिड़िया। समझ गए, वही हाल है।
विदित WHO की सदस्यता छोड़ने के पहले किसी भी सदस्य देश को एक वर्ष पूर्व यानी कि एक साल पूर्व नोटिस देना होता है। याद रहे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका विश्व के कई लोकतांत्रिक बहुपक्षीय समझौतों पहलों और संगठनों से बाहर निकल चुका है। इनमें देखेंगे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ईरान परमाणु करार, पेरिस जलवायु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संधि आदि से बाहर अमेरिका बाहर हो चुका है। ठीक है, यूएस में वर्ष 1948 से ही WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिए, मुझे लगता है कि पूछ लेगा कि अमेरिका हाल ही में किन किन संगठनों से बाहर निकला है, तो इन सभी को याद रखना है। फिर आपने देखा है कि सतत विकास रिपोर्ट आई हुई है 2020 में। सतत विकास रिपोर्ट ऐसा पहला विश्वव्यापी सर्वेक्षण है जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 2006 में विकसित होने के बाद से ही यह वार्षिक रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रदर्शन का ट्रैक करने, उन्हें रैंक प्रदान करने हेतु सर्वाधिक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध करा रही है। एक बात आपको और बता दूं, यहां मैं बार बार बोल रहा हूं कि सतत विकास लक्ष्य जो भी है आपकी, इन्हें रट लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चन आपके हर साल देखते हैं, और वैसे भी अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाए एक आध बार क्वेश्चन, तो आपका मेंस में क्या करोगे आप लोग। मुझे लगता है कि एक हर बार ऐसा क्वेश्चन देखने को दो चार मिलेंगे आपको, जहां आप सतत विकास लक्ष्यों को यूज करके उस आंसर को लिख सकते हैं, फिर चाहे आपका निबंध हो। समझ रहे हैं आप लोग, तो इसे याद रखिए। 30 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि कौन जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 166 सदस्य राष्ट्रों के लिए सतत विकास सूचकांक और डैशबोर्ड प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है कि इसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है, कितने देशों ने, तो 166 देशों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। 2020 की इस रिपोर्ट का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है, सतत विकास लक्ष्य और COVID-19। आप जान रहे हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है, सभी अर्थव्यवस्थाओं को देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था एक समय विकास दर कितनी हुआ करती थी, 7.3, 7.4, 7.5, आज कोई भी एजेंसी रेटिंग बता रही है कितना, 1 से 1.5% बहुत से हो, तो ये देखने को मिल रहा है। इस सूचकांक में दो में देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 अंक तक दिए जाते हैं। 0 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों को और 100 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों को दिया जाता है। सीधा सा कहने में का मतलब है कि जो 0 की तरफ बढ़ेगा उसकी स्थिति खराब बताई जाएगी, और जो 100 की तरफ नजदीक रहेगा उसकी स्थिति सही बताई जाएगी। पूर्व के संस्करणों के अनुरूप ही 3 नॉर्डिक देशों को इस वर्ष सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त हुए। ये नॉर्डिक देश कौन से हैं, याद रखिए नॉर्डिक देश कौन कौन से, इन्हें देख लीजिए आप लोग। शीर्ष 20 देशों में शामिल अधिकांश देश OECD देश हैं। इसमें आप देखेंगे 10 प्रमुख देशों की स्थिति की बात करें तो स्वीडन, देखिए मुझे नहीं लगता है कि स्कोर आपका पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, 84.7 रहा है स्कोर किसका, स्वीडन का। मुझे लगता है कि टॉप का जो मन पहले नंबर पर है उसका स्कोर याद रख लीजिए, क्या नहीं बाकी बाकी आप लोग नंबर से याद रख लिया करिए। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग, स्वीडन पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, फिनलैंड तीसरे, फ्रांस चौथे, जर्मनी पांचवे और नॉर्वे छठवे। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA की बात करें तो 31वें, चीन की बात करें तो 48वें, भारत की बात करें तो 117वें नंबर पर, पाकिस्तान की 134, यानी कि जो हमारा चीन पड़ोसी है हमसे आगे है लेकिन पाकिस्तान हमसे पीछे है। तो भारत की स्थिति याद रखनी है आपको, USA की स्थिति भी याद पूछा जा सकता है, चीन हमारे पड़ोसियों की स्थिति भी पूछ लेता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 31, चीन 48, भारत 117, पाकिस्तान 134 और स्वीडन पहले नंबर पर। वैसे भी हर रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट अगर बनाई जाती है तो उसमें स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड, इन्हीं देशों को हर बार टॉप में रखा जाता है। यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति काफी अच्छी, बहुत अच्छी है। ठीक है, एक तरह से आप कहिए
सूचकांक में दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति की बात करें, वैसे इनसे आपके क्वेश्चंस और पूछने की संभावना रहती है। तो भारत की बता चुका हूं कि 117वें नंबर पर, पाकिस्तान आपका 134वें नंबर पर, भारत का स्कोर भी याद रख सकते हैं 61.9 है, ठीक है। और फिर देखेंगे श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, ये आप देखेंगे 94वें नंबर पर, नेपाल 96, भूटान 80, अफगानिस्तान 139, बांग्लादेश 109, मालदीव 91। आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो हमारी सबसे बुरी स्थिति है हमारे पड़ोसियों में, ठीक है। सूचकांक में अगर ब्रिक्स देशों की बात करें हम लोग, तो ब्राजील को 53वां, रूस को 57 और भारत को 110 117, चीन को 48, दक्षिण अफ्रीका को 110वां। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्रिक्स देशों में भी हमारी स्थिति बहुत बुरी है, सबसे नीचे हम ही है, समझ रहे हैं। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए, क्या होता है कि इस तरह के सूचकांक पूछते हैं, आप लोग यकीन मानिए कि अभी भी आप लोग उठा के देखिए मालूम चल जाएगा। भारतीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, आप सभी को मालूम होगा कि 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है। और अस्थायी सुधार के लिए, अस्थायी यानी कि स्थायी सदस्यों के सुधार के लिए बात की जा रही है, जिसमें भारत को शामिल करने की बात की जा रही है, भारत भी इस मुद्दे को उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संगठनों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, टोटल 15 होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के बारे में भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो अन्य देश हैं, ये 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो अस्थायी सदस्य हैं 10, इन्हें 2 साल के लिए इनकी अवधि रहती है, ठीक। एक बात और आपको बताऊं, आपके जितने भी संगठन हैं, इतने विस्तार से मुझे लगता है बता चुका हूं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मेंस में अगर 100 से 150 200 शब्द तक आंसर लिखने के लिए आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सभी आपके जितने भी भाग हैं यूएन के, सभी कुछ बताया गया है, तो वहां जाकर आप लोग देखते रहिएगा। और इन्हें जो आपका स्थायी सदस्य ने वीटो पावर भी मिली हुई है। वीटो पावर कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई प्रस्ताव ला रहे हैं, 4 देश इसके पक्ष में है और अस्थायी सदस्य भी इसके पक्ष में है, लेकिन अगर एक देश मात्र इसके पक्ष में नहीं तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग। वीटो पावर इतनी पावरफुल है इन देश 5 देशों के पास, इसी का तो विरोध किया जा रहा है। आप देखते हैं कोई भी मुद्दा आता है चीन या फिर देखेंगे यूएसए, उस पर टांग अड़ा देता है, एक तरह से वीटो कर देता है, उस मुद्दे को वहीं रोक दिया जाता है, पास नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए समय समय पर आप देखते हैं कि बदलने की बात की जा रही है इसे। ऐसा होना चाहिए था कि आप समझिए कि 5 सदस्य में से जिसके पास बहुमत रहता, जिस पक्ष में, उस प्रस्ताव को पास करने की बात होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि यही एक अच्छा काम है, वरना आप सोचिए कि एक तरह से कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा ऐसे में तो। 27 जून 2020 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत का चुनाव 184 वोटों से हुआ है, जबकि कुल मतदान करने वाले 192 देश थे। एक समझ सकते हैं कि हमारे पक्ष में 184 देश थे, 192 देशों में से 184 देशों ने हमारा साथ दिया है एक तरह से, ठीक है। आगे है आपका, सर्वप्रथम भारत वर्ष 1951 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहली बार कब चुना गया था, 1950-51 में, ठीक है। 8वां अवसर है, इससे पहले 7 बार हमारा भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है और ये 8वीं बार चुना गया है। जब भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, कौन कौन सा समय है, 1950-51 के अतिरिक्त भारत 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 में भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। और याद रखिए, भारत का जो अभी का टर्म है, ये 2 वर्षीय कार्यकाल रहेगा, 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, ठीक है। तो इनको याद रखिए, कई बार आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकता है या फिर आपसे वैसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एवं नॉर्वे को भी 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये भी पूछ लेगा कि कौन सा, ये 3-4 देश दे देगा और पूछेगा कि इनमें से भारत किस
किनके साथ, मतलब किस समय, जो इन देश भी उसी समय चुने गए हैं, अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो आपको याद रखना, आयरलैंड भी आपके साथ ही चुना गया है, केन्या भी, मैक्सिको भी, नॉर्वे भी, ठीक है। उपयुक्त 5 देश सुरक्षा परिषद में बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के स्थान लेंगे, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनिशिया, वियतनाम, सेंट वेसेंट एंड दी ग्रेनाइट ग्रेनेडाइस डाइन्स 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पर आपने देखा होगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 आया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का विकासन किया जाता है। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक की कुल जनसंख्या के लगभग 99.7% भाग को आच्छादित करता है, और इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। तो यानी कि इसमें 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेत लिए जाते हैं, इसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं एक तरह से। इन 23 संकेतकों को जिन 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, वे निम्न है, कौन कौन से? समाज में बचाव, समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, और सैनिकरण का स्तर। एक तरह से मुझे लगता है कि आप लोग कॉमन मतलब इतना सेंस लगा लिया करिएगा, शांति की बात की जा रही है तो शांति में आप उस देश को तो पहले नंबर पर देंगे नहीं जहां आप सोचिए कि अशांति फैली हुई है। पाकिस्तान को आप पहला नंबर नहीं दे सकते हैं ना, समझ गए? तो एक तरह से जहां शांति होगी, जहां अशांति होगी, खुशी होगी, उसी जगह को नंबर वन पर या टॉप रैंकिंग दी जाएगी। 11 जून 2020 को IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक का यह सूचकांक जो है 14वां संस्करण है। किस नंबर का है? 14वां। इस सूचकांक का शीर्षक क्या है, यानी कि विषय क्या है? जटिल विश्व में शांति का मापन, जटिल विश्व में शांति का मापन। इस सूचकांक में 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो पूछ लेगा कि इसमें कितने देश शामिल किए गए थे? 163। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में वैश्विक औसत शांति स्तर में 0.34% की गिरावट आई है, यानी कि हमारी स्थिति और भी, हमारे मतलब वर्ल्ड में जो भी रह रहे हैं, सभी की स्थिति गिरावट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप का, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां गरीबी है और आप सोचिए कि इस तरह की अशांति फैली रहती है। जबकि GPI 2020 के अनुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। आप देखेंगे यूरोप में आपको कम ही इस तरह की घटनाएं, कोई भी अशांत क्षेत्र देखने को मिलेगा। एशिया में देख लीजिए आपको मिल जाएगा, यूरोप में आप देख लीजिए, यूरोप में नहीं मिलेगा आपको, अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा, समझ गए? GPI 2020 में शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 देश हैं, कौन कौन से? क्रमशः अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास। इन 5 को भी याद रखिए कि इन्होंने बेहतर स्कोर किया, एक तरह से सुधार किया है अपने। वर्ष 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का आर्थिक प्रभाव $14.5 ट्रिलियन, एक तरह से आप कहिए कि $14.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है इससे, दर्ज किया गया है, और जो वैश्विक GDP का 10.6% है या $1,909 प्रति व्यक्ति है। आप समझिए इतना अगर आप अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रहें, तो इतना पैसा बचाया जा सकता है, इतना मुद्रा या समझ सकते हैं आप बचाई जा सकती है, जो विश्व की GDP का 10.6% है। GPI 2020 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये देश मुझे लगता है कि हमेशा इस तरह के देश जो भी है, आपके स्विट्जरलैंड हो गया, आयरलैंड, आइसलैंड हो गया, ये सभी टॉप पर ही रहते हैं। तो इसमें इस बार किसे दिया गया टॉप? आइसलैंड, ठीक है, नंबर 1 पर। GPI 2020 के अनुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है।
अफगानिस्तान में आप सुनते तो रहते हैं कि आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, यहाँ यहाँ बम फूटा हुआ, वहां बम फूटा हुआ है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए, अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। इन दोनों को नंबर वन और नंबर बिल्कुल नीचे का याद रखिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में सर्वाधिक शांतिमय देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, पुर्तगाल तीसरे, ऑस्ट्रेलिया, माफ करिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है यूरोप में, चौथे नंबर पर, डेनमार्क पांचवें नंबर पर। स्कोर भी देख लीजिए अगर आपको लगता है कि देखना है। अगर भारत की बात करें तो 163 देशों की सूची में भारत 139वें स्थान पर रखा गया है। स्कोर रहा है 2.628 प्राप्त हुआ है, और याद रखिए 2019 में 141वें स्थान पर भारत था। यानी कि हमारी स्थिति कोई ठीक नहीं है, हम लोग अशांत क्षेत्र में ही रह रहे हैं एक तरह से। 163 देशों की सूची में अगर 139वां स्थान मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी स्थिति है आपकी। वही है कि हम पेपर दे रहे हैं और 163 छात्र पेपर दे रहे हैं, उनमें से हमारा नंबर 139वां आता है, तो एक खुशी मनाने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि नीचे से टॉप में आ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। और पिछली साल 141वां था, इस बार 2020 में 139वां, और अभी 2019 वाला कितना, 141वां, क्योंकि पिछले आंकड़े भी देखे जा रहे हैं, पूछ लेता है। फिर आपने देखी है कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 जारी की गई है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग मूल रूप से एक वार्षिक पुस्तक है जिसे IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र यानी कि WCC द्वारा संकलित यानी कि एक तरह से जारी की जाती है, ठीक है। इस रैंकिंग में 333, माफ करिए 337 है, बड़ा 33 37 बोल देता हूं, चलिए आपको याद रहेगा 37 है, 337 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। कहने का मतलब है कि 63 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें चार श्रेणियां, आर्थिक प्रदर्शन, आधारभूत ढांचा रचना, सरकार की कार्यकुशलता और व्यवसायिक दक्षता में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग भी जारी की गई है। इन्हीं को एक तरह से आधार स्तंभ बनाते हुए इस रिपोर्ट को या इस रैंकिंग को जारी किया गया है, ठीक है। तो सिविल सर्विस में आपके चार इंडेक्स दे देगा, नीचे कथन में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आधार, मतलब जो आपका विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है इसमें शामिल किया जाता है, इसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो याद रखिए आधारभूत संरचना चार श्रेणियों में बांटा जाता है, आर्थिक प्रदर्शन, आधारभूत संरचना, सरकार की कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता, ठीक है, इसके आधार पर जारी की गई है। 16 जून 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई है। एक कौन से नंबर की है, 32, 32वीं। 2019 की बात ही, वर्ष 2020 में भी इस रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला हुआ है। सिंगापुर समझ रहे हैं आप लोग, तो सिंगापुर को आप भी तो कहते हैं कि मुझे सिंगापुर घूमने जाना है, पर्यटन के लिए, टूर करने के लिए जाना है, तो वही सिंगापुर पहले नंबर पर है। तो इसे आप लोग प्रतिस्पर्धात्मकता एक तरह से रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में किसे पहला नंबर मिला हुआ है, सिंगापुर को, ठीक है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान डेनमार्क, और वर्ष 2019 में 8वां स्थान पर रहा था डेनमार्क। देखिए डेनमार्क ने कितना सुधार किया है। तो पहला सिंगापुर, दूसरे पर आपका डेनमार्क, स्विट्जरलैंड IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। सिंगापुर उसके बाद दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे पर, आपका स्विट्जरलैंड है। 2020 की रैंकिंग में नीदरलैंड तथा हांगकांग क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। मुझे लगता है पहला दूसरा तीसरा में पूछा जा सकता है, चौथा पहुंचा पांचवा कम ही पूछता है, पर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था, जबकि 2020 में रैंकिंग 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि बहुत अमेरिका ने नीचे कितना नीचे की तरफ छलांग लगाई है। 2019 में तीसरे नंबर पर था, लेकिन 2020 में 10वें नंबर पर है। चार अलग अलग श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर आप देशों की बात करें तो आर्थिक प्रदर्शन नीदरलैंड, सरकार की कार्यकुशलता हांगकांग, व्यवसायिक दक्षता डेनमार्क, और आधारभूत संरचना
स्वीडन में। कहने का मतलब है कि आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो नीदरलैंड टॉप पर रहा है, सरकार की कार्यकुशलता की बात करें तो हांगकांग पहले नंबर पर रहा है, व्यवसायिक दक्षता की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पर रहा है, और आधारभूत संरचना की बात करें तो स्वीडन इसमें अपना पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, आईएमडी विश्व वित्तीय स्पर्धात्मक में रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा नंबर है? 43वां। भारत के बारे में भी याद रखिए, हमारी स्थिति कोई खास अच्छी भी नहीं है। ठीक है, तो 43। ठीक है, याद रहे कि 2019 में रैंकिंग में भी भारत को 43वां स्थान मिला हुआ था, तो ये अच्छी बात है कि आपको कम से कम मुझे लगता है याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2019 में भी 43 स्थान रहा है और 2020 में भी आपको 43वां स्थान ही मिला हुआ है, तो आपको ज्यादा टेंशन मत लीजिए, याद रखिए। फिर आप देखेंगे आगे, ब्रिक्स देशों में चीन सबसे आगे यानी कि 20वें स्थान पर है, रूस 50वें स्थान पर है, ब्राजील 56वें स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है। तो हमारे जो ब्रिक्स देशों में शामिल देश हैं, चीन को 20वां स्थान मिला हुआ है, रूस को 50वां, ब्राजील को 56वां, दक्षिण अफ्रीका को 59वां। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, आप समझिए कि हमसे चीन आगे है, समझ रहे हैं? हमें चीन को पीछे करना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नहीं, क्योंकि ये तो पिछड़े हुए हैं, चीन से आगे निकलना है हमें, समझिए। वही है कि आप लोग उससे मत अपनी तुलना किया करिएगा जो मतलब कमजोर है, तुलना करना है तो कोई मजबूत से किया करिएगा, उससे आगे निकलना है आपको। आगे है आपका भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ है। 15 जून 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी लॉन्च किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया भी शामिल है। तो याद रखिए, भारत आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी में एक तरह से इसमें शामिल हो गया है, ठीक है, संस्थापक सदस्यों में। आज आप देख रहे हैं कि AI का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप सुनते रहते हैं ना, तो इसमें भारत भी आगे बढ़ रहा है। GPAI एक अंतरराष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD में की गई है, तो इसका जो सचिवालय कहाँ है? पेरिस में। GPAI दो विशेषज्ञ केंद्र मॉन्ट्रियल और पेरिस में स्थापित किए गए हैं। विभिन्न साझेदारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से GPAI उद्योगों, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के अग्रणी विशेषज्ञों को एक मंच पर लेकर आएगा, जिसमें वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्व विकास को बढ़ावा देने में सहयोग भी कर सके। साथ ही विशेषज्ञ वर्तमान वैश्विक आपदा यानी कि COVID-19 से बेहतर तरीके से निपटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु कार्य पद्धति का भी विकास कर सके। OECD अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति नेतृत्व तथा GPAI के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के बीच संयोजन हेतु सेतु का काम करेगा। OECD के विशेषज्ञ हेतु AI परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक और अनुसंधानीय सहायता प्रदान करेंगे। ये विशेषज्ञ केंद्र एक वार्षिक GPAI बहुहितधारक विशेषज्ञ समूह को पूर्ण सत्र का आयोजन भी करेंगे। ऐसा प्रथम आयोजन कनाडा में दिसंबर 2020 में प्रस्तावित है, लेकिन आप देख आने वाले टाइम में मालूम चलेगा, क्योंकि अभी COVID-19 के कारण आप देख रहे हैं कि सब कुछ बंद है। भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल की बात करें तो 30 मई 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपके रविशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.government.in को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो आपके रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो इसे भी याद रखना, किसने विकसित किया है?
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर इसे विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग नासकॉम द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल का संचालन किया जाएगा। भारत में एआई संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए पोर्टल एक डिजिटल मंच के रूप में काम भी करेगा। फिर बात करते हैं चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन। चीन के सिंजियांग प्रांत में लाखों उइगुर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, ताइवान के साथ विवाद, अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 8 लोकतांत्रिक देशों के विधायी सदस्यों द्वारा चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का गठन किया गया है। एक बात याद रखिए, चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है वहां। अगर आप आवाज उठाते हैं, इसीलिए आप देखते हैं मीडिया वहां बोलती भी नहीं कुछ, समझ रहे हैं? अगर आपने आवाज उठाई तो आपको मरवा दिया जाएगा। इसलिए आप सोचिए कि यहाँ की स्थिति बहुत बुरी है एक तरह से चाइना के लोगों की, समझ रहे हैं? वहां कोई आपके अधिकारों जैसी बात नहीं चलती है। आप देखते हैं कि हमारे, आप कोई भी हवाला दे के कह देते हैं कि हमारा तो ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन एवं नॉर्वे तथा यूरोपीय संसद के सांसदों ने चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का गठन किया है। स्थापना के समय आईपीएसी यानी कि जो अंतर संसदीय गठबंधन है में 18 राजनीतिज्ञ शामिल थे, जिसमें यूएसए सेनेटर मार्को रूबियो और बॉब मेनेंडेज और यूरोपीय यूनियन के सांसद प्रमुख हैं, जबकि वर्तमान में इसमें कुल 16 देशों के 100 से अधिक सांसद शामिल हैं। कितने? 16 देशों से 100 से अधिक सांसद इसमें शामिल हैं। आईपीएसी लोकतांत्रिक देशों के सांसदों का गठबंधन है। इस गठबंधन का सृजन लोकतांत्रिक देशों के मध्य एक समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया जा गया है, जिसके माध्यम से चीन के वर्तमान आचरण एवं भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सके। जो आपका, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका यही काम है कि मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है? वर्तमान में आईपीएसी में शामिल देशों की बात करें, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, युगांडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य और स्विट्जरलैंड। यूरोपीय संसद के सांसद में भी इस संगठन में आपके शामिल हैं, ठीक है? तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, इसमें आप लोग बात कर चुके हैं, आपका चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के बारे में बात कर चुके हैं इस क्लास में। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 को देखेंगे, ठीक है? छोटी छोटी क्लासें ही आपकी रखी जा रही हैं, बाद में एक पूरा आपका क्लास, एक तरह से आपकी मास्टर वीडियो आ जाएगा, क्लास सभी को जोड़कर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है? तो अभी छोटी छोटी क्लासों में एडजस्ट कर लीजिए, और सभी आपकी क्रम से क्लास में डली हुई है, समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में क्रम से डाल दी गई है, तो आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और परेशानी होती है तो लास्ट में कुछ टाइम मिलने के बाद हम लोग पूरा एक, मतलब सबको जोड़कर एक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं। आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय प्रकरण की, और अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में अगला टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020।